दोस्तों ले आए हम फिजिक्स का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इस टाइप का फिगर है, ठीक है। और कह रहा है कि हम मिनिमम कितना फोर्स लगाए कि ये अपना जगह छोड़ दे। पहले तो हम यहाँ पे हाथ रखे हुए, ठीक है, मानो कि अभी बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, अभी रेस्ट में है। जैसे हम हाथ हटाए तो क्या हुआ, फॉल करेगा, नीचे गिरना चाहेगा, जो कि स्प्रिंग पे FSP ऊपर लगेगा और बॉडी MG से नीचे गिरना चाहेगा, ठीक है। क्या लगेगा, MG से नीचे गिरना चाहेगा। तो अगर MG से नीचे गिरना चाहेगा तो स्प्रिंग भी कुछ फोर्स लगाएगा, तो FSP से कब तक ये MG से नीचे गिरा, जब तक स्प्रिंग कांस्टेंट ना हो जाए। तो यहाँ के मानो, यहाँ के क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो हो गई इसकी, ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो गई, तो यहाँ की बॉडी रुक गया। तो बॉडी रुक गया इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम इतना फोर्स लगाया जाए कि ये अपनी जगह छोड़ सके। थे हम कैसे बता करेंगे कि कितना फोर्स लगाएंगे ये अपना जगह छोड़ देगा, तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। FSP यानी कि FSP, यहाँ भी क्या लग रहा होगा, तनाव FSP, ठीक है, FSP, और FSP और यहाँ टेंशन भी लग रहा होगा। FSP इक्वल टू टेंशन, इधर टेंशन, यहाँ क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल टू FSP, ठीक है। तो देखो दोस्तों, पहले हम इस M2 के लिए चलते हैं, क्या हो जाएगा, FSP इक्वल टू टेंशन, ठीक है, FSP इक्वल टू टेंशन, क्या लिखो, FSP इक्वल टू MG लिखो, या फिर क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल टू MG। तो FSP बराबर क्या होता है, KX इक्वल टू MG। KX क्या होता है, KX हमको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 40 न्यूटन, 40X इक्वल टू MG कितना दिया हुआ है, MG कितना हो गया, 2 इंटू 10, 20, तो 20 गुनी 40 है, फिर x इक्वल टू क्या हो गया, 1/2, x इक्वल टू क्या निकल गया है हमको, 1/2। तो क्या हुआ, 1/2 डिस्टेंस नीचे फॉल किया, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, अब फोर छोड़ने की बात है, ठीक है, क्या किसकी बात है, लीव द ग्राउंड, ग्राउंड M1, ठीक है। अब हम चलते हैं M2 पे, 5 kg वाला पे। अब M2 के लिए, फ्रॉम M2 से, ठीक है। अब देखो M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक FSP लग रहा है, एक MG लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो ऑल फोर्सेस क्या हो जाएगा, एक लग रहा है MG, एक लग रहा है MG प्लस लग रहा है FSP इक्वल टू, इनिशियल क्या था, इनिशियल इसका था जीरो, फाइनल क्या हो गया, फाइनल भी आ गया जीरो, ठीक है, इनिशियल और फाइनल जीरो है। तो के इनिशियल और फाइनल जीरो है, कितना फोर्स लगाया जाए, ठीक है, ये भी आ गया रेस्ट में, इसमें कितना फोर्स लगाया जाए कि ये आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों यहां जो है, इस यहां की वेलोसिटी पूछी जाएगी, ठीक है, यहां वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, यहां की वेलोसिटी पूछी जानी है, ठीक है। तो यहां से हमको वेलोसिटी बताना है, तो क्या है, इनिशियल हमारा जीरो है, यहां पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो क्या हो जाएगा, के के होता 1/2 mv, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल क्या है, जीरो। तो क्या हो जाएगा, mg, तो mg के लिए हम चलते हैं पहले फोर्स mg के लिए। तो mg के लिए क्या हो जाएगा, mg और x, तो mg x प्लस क्या होता है, FSP ऊपर लग रहा है, ठीक है, FSP क्या लग रहा है, ऊपर, तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2, क्या हो जाएगा, 1/2 क्या होता है, फॉर्मूला है था के एक्स इनिशियल, इनिशियल क्या था इसका, इसका भी इनिशियल था जीरो, इनिशियल क्या था, जीरो, फाइनल क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है दोस्तों, उतारिए। तो दोस्तों अब हम फिर से बनाना शुरू करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे प्लस, अभी प्लस है, थोड़ी देर के लिए आएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mgx माइनस 1/2 x का स्क्वायर इक्वल टू 1/2
एम वी फाइनल का स्क्वायर, हमको वी फाइनल ही निकालना है। यहाँ पे देखो एम जी वन बाई टू, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, एक्स इक्वल टू वन बाई टू। तो दोस्तों इस x के जगह पे इसका मान रखो जब तक के लिए, ताकि कट जाए आसानी हो अपना लोग को, 1 by 2, तो ये 1 by 2, ये 1 by 2, ये 1 by 2 कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया हमको mg, mg कितना है हमारे पास 5 और गुने 50, 50 और ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 by 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे k भी है दोस्तों, k भी है, क्या हो जाएगा माइनस के कितना है 40 इंटू वन बाय फोर, तो 4 से 4 कट गया, क्या हो गया 10 एम वी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 10, 50 में से 10 घटा दो इक्वल टू इसका हमें क्या 5 और वी का स्क्वायर, ठीक है, तो हो गया 40 इक्वल टू 5 वी, तो इसे कट गया, क्या हो गया 8, v इक्वल टू 8, जो कि v बराबर क्या आएगा हमारे पास 2√2 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों फिर से देखिए, हम फिर से एक बार दोबारा ट्राई कर लेते, क्या है फिगर हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि मिनिमम फोर्स कितना लगेगा इस पे कि ये अपना जगह छोड़ सके। तो पहले हम इसका निकालेंगे क्या है टेंशन ऊपर FSP, यानी कि टेंशन इक्वल टू FSP, यहां से पता चल रहा है, तो FSP ऊपर लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, यानी कि कोई एक फोर्स मानो FSP या फिर टेंशन, ठीक है, और नीचे mg लग रहा है, ठीक है, तो इक्वल इक्वल कब होगा, तो x इक्वल टू 1 बाय 2 निकल गया, ठीक है, इससे हमको। तो अब क्या करेंगे हम इस फोर्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, इस पे क्या-क्या फोर्स लग रहा है, तो एक लग रहा है FSP, एक लग रहा है mg, तो इस तरह से सॉल्यूशन करके आ गया 8 v = 8, और v बराबर क्या है मिनिमम इतना लगेगा जो वो अपना जगह छोड़ देगा, ठीक है दोस्तों, उतार लीजिए फिर न्यू क्वेश्चन पे आते हैं हम, थैंक यू।